फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ के लिए स्पेशल मात्र 10 मिनट बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना मिश्री के बिल्कुल ही क्रीमी और हलवाई स्टाइल मीठी सेवई या मीठी वर्मासिली बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाना उतना ही आसान होगा। आप इसे व्रत में भी इजीली बना करके रख सकते हैं। आप व्रत के पहले भी खा सकते हैं और व्रत के बाद भी खा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। हम इसमें मात्र आधा चम्मच घी डालेंगे, इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हम पैन में अच्छे से गर्म होने देंगे और ये देखिए घी गर्म हो गया है। हम इसमें बारीक कटे हुए काजू, आलमंड और किशमिश डालेंगे। इन सभी को डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ड्राई फ्रूट को गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे पैन में से निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट को प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम बचे हुए घी में एक कटोरी अनरोस्टेड वर्मासिली डालेंगे। वर्मासिली डालकर मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा और वर्मासिली बहुत अच्छी तरह से भुन जाएंगे और इसमें घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए दोस्तों, सेवई या वर्मासिली को भूनते हुए दो से तीन मिनट हो गए हैं और वर्मासिली या सेवई हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं और इसका बहुत ही प्यारा वर्मासिली का पिंक कलर आया है। हमें इसे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा ना भूने, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। वर्मासिली अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया है और हम इसमें एक से डेढ़ गिलास के लगभग दूध डालेंगे। दूध डाल के गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम दूध में उबाल आने देंगे और अब हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे सेवई दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सेवई तले में चिपकेगा नहीं या लगेगा नहीं। हम इसे एक से दो मिनट के लिए मिला लेंगे और अब हम इसे ढक कर इसमें उबाल आने देंगे। और ये देखिए सेवई में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। हम इसे एक बार चेक कर लेंगे और अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे दूध में सेवई बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। और ये देखिए सेवई हमारे अच्छे से पक गया है और ये ऊपर की तरफ आ गया है। हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे और ये देखिए सेवई हमारे अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। हम इसे चलाते हुए इसके साइड के सारी मलाई को इस तरीके से निकाल करके सेवई में मिक्स कर लेंगे, जिससे सेवई हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट क्रीमी बनेगा। और अब हम सेवई या वर्मासिली में मीठे के लिए दो से तीन बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क की जगह आप मिठाई मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। सेवई को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम इसमें कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कंडेंस मिल्क का मिठास सेवई में आ जाएगा। और आप कंडेंस मिल्क की जगह गुड़ या चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और कुटी हुई अब हम इसमें दो इलायची डालेंगे। इलायची डालकर हम इसे चलाते हुए एक बार फिर से अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें दो चम्मच चीनी और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सेवई हमारा अभी से ही कितना अच्छा गाढ़ा और क्रीमी दिख रहा है। हम इस टाइम पे इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालकर हम इसे चलाते हुए एक बार फिर से मिला लेंगे और हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को बचा लेंगे, जिसे हम सर्व करते समय डालेंगे। और ये देखिए सेवई हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और गाढ़ा बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे, जिससे हमारा वर्मासिली और अच्छे से गाढ़ा और फ्लेवरफुल बनेगा। और ये देखिए सेवई हमारा बनके तैयार हो गया है और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। वर्मासिली या मीठी सेवई तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन इस तरीके से गारंटी है कि बना के नहीं खाया होगा। एक बार इस तरीके से आप वर्मासिली या सेवई बना के खाइए, बहुत ही ये टेस्टी और स्वादिष्ट होता है।
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, आपके साथ आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा और बच्चे हो या बड़े सभी आपसे ये मांग मांग के खाएंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने वर्मासेली को सर्व कर लिया है और अब हम इसके ऊपर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। और ये लीजिए, हमारा वर्मासेली बनके तैयार है। आप इसे गर्म खाइए, ठंडा खाए, आपको जैसा पसंद है आप वैसा खाइए। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूंगी एक और नई रेसिपी में।